हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडस्ट्रियल ई एंड आई इंजीनियरिंग। दोस्तों, आज के वीडियो में वाइब्रेशन सेंसर के बारे में देखेंगे, कैसे वर्क करता है, कैसे इंस्टॉल करते हैं, इसका सर्किट डायग्राम हो गया दोस्तों, कैसे कनेक्शंस करते हैं, ये सब के बारे में आज डिटेल्स में हम वाइब्रेशन सेंसर के बारे में दोस्तों देखेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे दोस्तों, हमारे पास दो वाइब्रेशन सेंसर है अलग अलग मेक का। एक हमारे पास जो है ये प्रो का है, और ये जो हमारा है ये दोस्तों मैट्रिक्स का है। तो दोस्तों इस दोनों, और ये जो देख रहे हो दोस्तों ये प्रोब में, इसको हम कनेक्शन करते हैं इसके थ्रू दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों हम समझ लेते हैं वाइब्रेशन सेंसर का काम क्या है दोस्तों। तो वाइब्रेशन सेंसर, जैसा कि आपको जानते हैं दोस्तों, कहाँ पे यूज़ करते हैं, जहाँ हमारा रोटरी पार्ट है, जो मशीन हो गए, मोटर्स हो गए, इंडक्शन टाइप्स ऑफ मोटर्स हो गए, जहाँ पर हमारा वाइब्रेशन होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, वहाँ पर हम लोग वाइब्रेशन सेंसर को यूज़ करते हैं दोस्तों। दोस्तों वाइब्रेशन सेंसर को दूसरा नाम से हम लोग पेजो इलेक्ट्रिक सेंसर भी जानते हैं, क्योंकि दोस्तों ये जो इसका मेन वर्किंग प्रिंसिपल है दोस्तों, पेजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही है इसका है। क्योंकि ये दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, पेजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में होता क्या है दोस्तों, जो हमारा जो डिवाइस होता है वो हमको मेजर करता है, हमारा जो फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे प्रेशर, फोर्स, स्ट्रेन और वाइब्रेशन को उसको कन्वर्ट कर देता है हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, इसीलिए हम लोग इसको पेजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी बोलते हैं दोस्तों, सेंसर भी बोलते हैं दोस्तों। मेन रीजन दोस्तों इसका यही है दोस्तों। इसका कुछ स्पेसिफिकेशंस के बारे में जान लेते हैं, सेंसर्स के बारे में क्या है दोस्तों। जैसा कि आपको इस पे, जैसा कि लिखा हुआ है दोस्तों, 4 to 20 milliamps जो इसका आउटपुट है दोस्तों, और IPS RMS है, जो जिसको हम लोग क्या करते हैं, mm पर सेकंड में कन्वर्ट करके उसका एक चार्ट आता है दोस्तों, उसके थ्रू कन्वर्ट करते हैं, जिसका जो हमारा इसका इनकमिंग जो है दोस्तों, इसका इनपुट जो है दोस्तों 24 volt DC होता है, और इसका आउटपुट जो है दोस्तों 4 to 20 milliamps हमारा होता है आउटपुट। इसको आगे चल के हम देखेंगे दोस्तों, डिस्कस करेंगे दोस्तों। इसका सपोज रेंज दोस्तों है 0 to 20 mm per second है, 0 to 25 mm per second है, 0 to 25 भी बोल सकते हैं दोस्तों। इसका बेसिकली इसका 25 है और इसका 20 है, तो उसके हिसाब से आपको जहाँ भी इसका रिक्वायरमेंट है एप्लीकेशन के हिसाब से, वहाँ आप दोस्तों इसको इंस्टॉल करेंगे दोस्तों। अब कुछ देख लेते हैं इसके बारे में कुछ दोस्तों। इसको हम साइड करते रहे, प्रोब है ये, सेंसर है। सबसे पहले दोस्तों हमको जानना होगा क्या, जैसे सपोज इसका आउटपुट जो है दोस्तों 4 to 20 milliamps है, सपोज 4 to 20 milliamps है, तो इसको हम डिवाइड कर ले रहे हैं। ये जो दोस्तों हो गया हमारा, ये हो गया मिलियम्स के। अब इस पे जो दोस्तों, अगर 4 milliamps हमारा आउटपुट जाएगा, इट मीन्स जो हमारा वाइब्रेशन है वो 0 mm per second है, और हमारा 20 milliamps अगर जाएगा दोस्तों आउटपुट, तो हमारा क्या है, इसका रेंज था 20, इसलिए हमारा जो होगा वाइब्रेशन जो हो गया 20 mm per second हो गया, जो कि हाई है दोस्तों। प्लांट को अगर इंटरलॉक लेंगे तो उससे ट्रिप होगा। 8 पे दोस्तों क्या आ जाएगा हमारा, 5, इस पे आ जाएगा दोस्तों 10, और इस पे आ जाएगा 15, ये सब जो हो गया mm per second दोस्तों। तो ये हो गया, अगर हमारा आउटपुट 4 मिलेगा दोस्तों तो ये होगा 0 mm per second दिखाएगा, 20 मिलेगा तो 20, इसके बीच में है तो जो वैल्यू हमारा दिखाएगा दोस्तों। बेसिकली काम कैसे करता है उसके बारे में जानकारी दे रहे दोस्तों। ये जो बेसिकली होता क्या दोस्तों, हमारा PLC और DCS, इसको आउटपुट जाता है दोस्तों वोल्टेज के रूप में, जो हम दे रहे हैं 24 volt देने के बाद दोस्तों इसमें होता क्या है कि डिस्प्लेसमेंट होता है, जो हमारा रोटरी पार्ट है वो डिस्प्लेस करेगा, एक दूसरे से मूव करेगा, जिसकी वजह से इसमें क्या है कि वोल्टेज गैप जनरेट होता है दोस्तों। वोल्टेज गैप जनरेट होने की वजह से दोस्तों होता क्या है कि वो हमारा वोल्टेज जो गैप है वो हमारा सेंसर के थ्रू कन्वर्ट हो जाता है, जो एक लोड रेजिस्टेंस लगा रहता है उसके थ्रू, मैं आपको सर्किट क्या समझाऊंगा, उसके थ्रू हमारा जो है इसका आउटपुट मिलियम्स में कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों। क्योंकि आपके पास पता है वोल्टेज गैप जनरेट हुआ, और आपके पास लोड रेजिस्टेंस है, जो हमारा लूप रेजिस्टेंस वो है, उससे आप मिलियम्स आउटपुट आप निकाल सकते हो, वो हमारा मिलियम्स जो है PLC में जाकर फीड होता है, उससे हमारा HMI के थ्रू आपको आउटपुट आपको HMI पे डिस्प्ले होता है दोस्तों। तो दोस्तों इसको समझने के लिए दोस्तों हम समझ लेते हैं दोस्तों कुछ इसका दोस्तों रेंज के बारे में। जैसा कि आपको बताएं दोस्तों, ये डायनेमिक सिग्नल भी होता है दोस्तों, वो जो कि बेसिकली हम लोग 4 wire में यूज करते हैं, जो रॉ एक्सीलरेशन सिग्नल के रूप में हमको दोस्तों उसको लेते हैं दोस्तों। अगर बात करते हैं दोस्तों वेलोसिटी का दोस्तों, तो बेसिकली ये 3 तरह का होता है दोस्तों। एक एक्सेलेरोमीटर टाइप का होता है, वेलोसिटी टाइप का होता है दोस्तों, और प्रॉक्सिमिटी टाइप का होता है। इसका टाइप्स बेसिक अभी जो हम लोग देख रहे हैं दोस्तों, एक्सेलेरोमीटर टाइप का देख रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों इसका देखते हैं, इसका दोस्तों एक सर्किट डायग्राम देख ले रहे हैं। जैसा कि हमारे पास, हम ऑलरेडी दोस्तों टाइम के वजह से हम पहले से बना चुके हैं यहाँ पे, जैसा कि देख सकते हो दोस्तों सर्किट डायग्राम, ये हमारा बेसिक दोस्तों सर्किट डायग्राम है इसका, जिससे आप बेसिकली फंडा इसका समझ जाएंगे कैसे क्या है दोस्तों। जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने लिखा है वाइब्रेशन सेंसर ए बी या 1 ले लीजिए, 0.2 इसमें, क्योंकि ये 2 wire system है दोस्तों, 4 wire system भी होते हैं, ये भी जैसा कि देख पा रहे हैं दोस्तों इसमें भी 2 wire system है, इसलिए हम 2 wire का एग्जाम्पल लिए दोस्तों। 4 wire भी आप ले सकते हैं दोस्तों, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें आपको दो, एक अलग से पावर सप्लाई और सिग्नल का अलग से लेना होगा। लेकिन इसमें क्या है दोस्तों,
एक वन पेयर ही इसमें जाता है जिसमें एक पावर सप्लाई और एक सिग्नल रहता है दोस्तों। तो नेक्स्ट दोस्तों इसको क्या है दोस्तों, ये जो हमारा पहला पिन है दो नंबर पिन उसको फीड करेगा हम लोग, जो है हमारा आएगा आउट इनकमिंग जो आएगा वो डीसी पावर सप्लाई जो होगा जो हमारा पीएलसी कैबिनेट में होगा उससे आएगा, प्लस यहाँ आकर होगा और माइनस जो है यहाँ आकर आएगा। बीच में दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं कि हम आरएल जो लोड रेजिस्टेंस लगाए हैं, लूप रेजिस्टेंस जिसको बोलते हैं दोस्तों, इसको लगाए हैं। यहाँ से हम क्या है कंट्रोल प्रोसेस मॉनिटर में आप देख सकते हैं। और ये जो पूरा कैबिनेट हो गया दोस्तों, ये होता है हमारे पीएलसी और डीसीएस में, पीएलसी बोलिए डीसीएस में ये जो होता है दोस्तों। तो बेसिकली दोस्तों ये जनरेट क्या करता है हमारा, हम लोग बोलने के लिए बोलते हैं आउटपुट जनरेट करता है 4 to 20 मिलियम्स, लेकिन अगर बाई प्रूफ अगर देखेंगे दोस्तों सर्किट डायग्राम से, तो जनरेट दोस्तों करता है वोल्टेज गैप, क्योंकि ये वोल्टेज गैप डिस्प्लेसमेंट की वजह से वोल्टेज गैप को मेजर करता है। वोल्टेज गैप आउटपुट देकर हमारा क्या करता है कि लो रेजिस्टेंस के वजह से हमारा मिलियम्स में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि वोल्टेज हमारा गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है, तो एम्पियर हमको दोस्तों मिल जाएगा, करंट मिल जाएगा। वो मिलियम्स के वजह से हमारा फीड होने के बाद हमारा कार्ड में उसके वहाँ से हमारा एचएमआई में वो जो आउटपुट जो देगा कन्वर्टर के थ्रू, हमारा वो जो वैल्यू दिखाएगा एमएम पर सेकंड में वो दिखाएगा दोस्तों। तो ये बेसिकली इसका फंडा है, लेकिन हम लोग बोलते हैं दोस्तों 4 to 20 मिलियम्स आउटपुट देता है। क्यों देता है, क्योंकि बेसिकली होता है यहाँ पर आके कन्वर्ट। तो ये हो गया दोस्तों। दोस्तों इसका कुछ जो आरएल निकालने का कुछ फॉर्मूलेज है जिसको लूप रेजिस्टेंस बोलते हैं, आप कैलकुलेट कर सकते हैं दोस्तों। अगर देखें दोस्तों तो आरएल जो है मैक्सिमम अगर निकालना है तो उस निकालने का एक फॉर्मूला है दोस्तों, वी पावर माइनस अगर आप ले लेंगे -12 वोल्ट, ये कॉन्स्टेंट है दोस्तों, और 20 मिलियम्स इंटू में 1 मिलियम्स बाय में 0.01 एम्स, ये हो गया दोस्तों, ये फॉर्मूला है। अगर दूसरा अगर निकालने का अगर बात करेंगे, एक और है दोस्तों, इसका एक और निकालने का है तो दोस्तों डायरेक्ट आप 50 कांस्टेंट को रखेंगे इसको, और यहाँ VS हो जाएगा -11, ये जो ओम हो जाएगा, जो VS है दोस्तों वो हमारा क्या हो गया सप्लाई वोल्टेज, जो हमारा सेंसर इंड में यहाँ पे जो मल्टीमीटर चेक करेंगे जो हमारा वोल्टेज मिलेगा दोस्तों, वो हो गया वोल्टेज एट सप्लाई वोल्टेज एट सेंसर इंड। तो ये हो गया बेसिकली दोस्तों। ये जो दोस्तों है हमारा बहुत सारे जगह दोस्तों ट्रांसड्यूसर के रेस्पेक्ट में हम लोग लेता है इसको सिग्नल जो है, लेकिन यहाँ हम लोग दोस्तों कोई ट्रांसमीटर नहीं यूज कर रहे हैं, ट्रांसड्यूसर सॉरी यूज नहीं कर रहे हैं, इसको डायरेक्टली हम लोग क्या है जेबी के थ्रू हम लोग डायरेक्टली देते हैं पीएलसी में, वो हमको कन्वर्ट करके हमारा एचएमआई में दोस्तों वैल्यू दिखाता है दोस्तों। ये दोस्तों इसका बेसिक फंडा काम करने का दोस्तों। दोस्तों अब ये जो देख रहे हैं दोस्तों, सपोज ये मान लीजिए वाइब्रेशन सेंसर है, अभी सर्किट के थ्रू समझा रहे हैं, यहाँ पे हमारा वाइब्रेशन सेंसर है, ये सेंस किया, इसके थ्रू हमारा आउटपुट यहाँ डीसी में पावर सप्लाई किया, क्या है ये पहले, उसके बाद क्या होगा इस दोनों में जैसा कि देख पा रहे हैं आप, ये जो हमारा दो टर्मिनल है इसमें लगिंग होगा इस प्रोब में, सॉरी इस सेंसर की बात कर रहे हो दोस्तों, ये अलग फिटिंग्स है, ये सेंसर जैसा कि ये हमारा बॉडी में ये मूव भी हो जाता है दोस्तों, इसको रिमूव भी कर सकते हैं आप, फिर इसको लगा दीजिए जैसा लगाना आपको, जहाँ भी हॉरिजॉन्टल एक्सियल और वर्टिकल, जो ये जो दोस्तों पिन देख रहे हैं इसको हम लोग क्या करते हैं दोस्तों इसमें लगाते हैं, इसको इसमें लगाकर टाइट कर देंगे जैसा कि देख पा रहे हैं दोस्तों आप, ये टाइट हो गया, और ये जो है हमारा एक जेबी में जाएगा, इंस्ट्रूमेंट जेबी, उस इंस्ट्रूमेंट जेबी से एक जेबी में जाएगा, और जेबी से जो हमारा केबल है जो दोस्तों हम लोग वो पीएलसी में आएगा, पीएलसी जो इसको देता है दोस्तों वो एनालॉग इनपुट देता है दोस्तों, जो कि 4 to 20 मिलियम्स देता है दोस्तों। और दोस्तों अगर बात करें हम इसको इंस्टॉल कैसे करते थे, हम चलिए दोस्तों आपको फील्ड में ले चल के आपको दिखाते हैं कि दोस्तों इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं, बेसिकली हम देखेंगे दोस्तों हॉरिजॉन्टली कैसे इंस्टॉल करते हैं, वर्टिकली कैसे इंस्टॉल करते थे, चलिए दोस्तों देखते हैं। तो जैसा कि दोस्तों देख पा रहे हैं आप, हमारे पास ये हमारा जो है ये ब्लॉक हो गया वाइब्रेशन सेंसर का, ये जो देख रहे हो दोस्तों ये वर्टिकल वाइब्रेशन सेंसर है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये दोस्तों जैसा कि आपको बताया शुरू में ये हमारा रोटरी पार्ट के पास लगता है जहाँ वाइब्रेशन होगा। तो जैसा कि देख सकते हैं मोटर का जो है दोस्तों हमारा ये रोटरी पार्ट है, ये इसके आगे में हमारा बियरिंग के सामने ये लगा हुआ है ब्लॉक, जिसमें हमारा एक ये जो देख रहे हो दोस्तों ये हमारा हो गया हॉरिजॉन्टल, और ये दोस्तों हो गया हमारा वर्टिकल। जैसा कि आपको बताया दोस्तों ये प्रोब के थ्रू आएगा, ये प्रोब के थ्रू आया, इस प्रोब के थ्रू आने के बाद दोस्तों इसका जो देख रहे हैं एक इंस्ट्रूमेंट जेबी में गया, छोटा सा जेबी है, ये देख सकते हैं बीजेट हो गया वर्टिकल का, ये हॉरिजॉन्टल का दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हमारा एक मेन जेबी में जाएगा, वहाँ से जेबी से दोस्तों हमारा आउटपुट उठता है पीएलसी में। चलिए दोस्तों मैं एक अलग टाइप का दिखा रहा हूँ, जो दूसरा टाइप का आपको वाइब्रेशन दिखाऊँ मैट्रिक्स का, उसके बारे में दिखाता हूँ। चलिए जैसा कि देख पा रहे दोस्तों ये हमारा मैट्रिक्स का है, ये हमारा आपको लोअर साइड में लगा हुआ है, ये जैसा कि देख सकते हैं ये हमारा हॉरिजॉन्टल है दोस्तों। अब चलिए दोस्तों मैट्रिक्स का ही आपको मोटर पार्ट में दिखाते हैं, दो अलग अलग हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का, ये दोस्तों हॉरिजॉन्टल है, इसका वर्टिकल ऊपर में हो जाएगा, जो वर्टिकल आएगा दोस्तों ऐसे आएगा। जैसा देख पा रहे दोस्तों आप, मेरे पास एक वाइब्रेशन सेंसर है जो ये वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल है सेम, बट ये अलग मेक का है दोस्तों, ये मैट्रिक्स का। जैसा कि आप शुरू में दो दिखाएं आपको, एक प्रो का एक मैट्रिक्स का, तो ये जो हमारा दोस्तों है मैट्रिक्स का है, ये हमारा इस ब्लॉक में लगा हुआ है, ये हमारा वाइब्रेशन पार्ट है जो हमारा साफ दिख रहा है यहाँ पे,
ये हमारा वाइब्रेट करता है, इसी से डिस्प्लेसमेंट की वजह से वोल्टेज गैप को मेजर करता है। उस वोल्टेज गैप को हमारा लोड रेजिस्टेंस, जो लूप रेजिस्टेंस है, उसके थ्रू हमारा मिलियम्स में कन्वर्ट करके हमको ये आउटपुट देता है दोस्तों। वो हमारा पीएलसी से फिर एचएमआई में डिस्प्ले होता है दोस्तों। तो ये अलग टाइप का हो गया दोस्तों। ये जैसा कि आपको बताएं, ये हमारा सबसे पहले कंड्यूट के थ्रू जो केबल देख रहे हैं, इसके थ्रू हमारा गया इंस्ट्रूमेंट जेबी में। यहाँ भी हॉरिजॉन्टल हो गया और ये वर्टिकल हो गया, इसके थ्रू टैगिंग किया हुआ दोस्तों। ये हमारा डायरेक्ट जा रहा है जेबी में। जेबी में जाने के बाद दोस्तों होता है वहाँ से पीएलसी में होटल। तो दोस्तों अगर वीडियो हमारा अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों और अपना सपोर्ट दिखाइए हमारे चैनल के प्रति दोस्तों। थैंक यू सो मच।